Students, how are you all? I hope you are fine. Let's start today's class. So, students, first of all, you please tell me what we have learned in our previous class. So, we have learned writing similes, how to write similes in our previous class. So, students, today we will discuss descriptive writing. So, this is a worksheet as for of your block 15 and there is a descriptive writing there is a question one underline the adjectives and circle the nouns in the paragraph there is a paragraph and you have to underline the adjectives what are the adjectives describing words uh, describing words are the words that describe a person place things and animal and nouns

ओके okay, नेक्स्ट क्या है आपका गिव अस अ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या है एक थिंग है इसको आप सर्कल करोगे क्योंकि एक नाउन है प्रोजेक्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज सो प्लांट्स और ट्रीज़ क्या है डिस्क्राइबिंग सॉरी नाउन्स हैं सो आप प्लांट्स को, को भी सर्कल करोगे और ट्रीज़ को भी सर्कल करोगे माई फ्रेंड फ्रेंड इज़ अ नाउन सो फ्रेंड को सर्कल कर देना है नेक्स्ट वन एंड आई वेंट टू माई अंकल्स फार्म सो अंकल्स फार्म अंकल भी नाउन है और फार्म भी नाउन है ओके okay. सो so, उसको सर्कल कर देंगे नेक्स्ट क्या है ही लव्स गार्डनिंग ही लव्स गार्डनिंग एंड लिव्स ऑन अवज़ फार्म सो यहाँ पे ह्यूज क्या है एजेक्टिव है तो आप ही को अंडरलाइन करोगे

दे आर वर अदर्स दैट वर वेरी स्मॉल स्मॉल इज एडिव सो आपको स्मॉल को अंडरलाइन करना है इवन एंड एंड वुड थिंक दाम टू स्मॉल फॉर अ बैट एंड आर डिफरेंट कलर्ड फ्लार्स फ्लॉर्स इज अउन सो आपको फ्लॉर्स को सर्कल कर दोगे फुल एक्टिव उसको अंडरलाइन करना है दे वर ब्ल्यू पिंक लो एंड ऑरेंज वंस सो ये सभी कलर्स हैं और कलर्स किसको डिफाइन करते हैं एक्जैक्टिव हो सकते हैं कलर तो आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो इफ़ माई अंकल वुड लेट मी आई वुड हैव मेड अ रेनबो विद दिस फ्लास्क सो थैंक यू मैम्स फॉर गिविंग सच एज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्या है आपका एक्जेक्टिव है उसको अंडरलाइन करना है प्रोजेक्ट है वो क्या है डिस्क्राइबिंग सॉरी प्रोजेक्ट इज नाउन उसको आप सर्कल कर दोगे वी हैड ग्रेट फन डूइंग डैट ग्रेट क्या है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरलाइन कर लोगे आप सो आई होप इट इज क्लियर टू यू सो स्टूडेंट्स देर इज दिस पैराग्राफ इज अबाउट अः अबाउट अ प्रोजेक्ट वर्क और किसने दिया था जो साइंस टीचर ने दिया था सो so, so आपको क्लियर है दैट इज क्लियर टाइटल आपको क्लियर है पैराग्राफ का सो माई इंटरेस्टिंग साइंस प्रोजेक्ट सो आपका ये आप टाइटल राइट कर सकते हो सो क्वेश्चन थ्री इज क्लियर एंड नाउ लेफ्ट क्वेश्चन टू सो नाओ लुक रीड क्वेश्चन टू मेक दिस पैराग्राफ मोर डिस्क्रिप्टिव बाई री राइटिंग इट विद सिम्बलीज दैट डिस्क्राइब एट लीस्ट थ्री ऑफ द नाउन्स दैट यूज सर्कल्ड सो आपको डिस्क्रिप्टिव राइट आपको दोबारा से इस पैराग्राफ को री राइट करना है विद द थ्री सिम आपको सिम्बलीज राइट करनी है सिम्बलीज क्या होती है टू uh, थिंग्स like, uh, को हम कंपेयर करते हैं विद द लाइक और एज के साथ सो so, आपको थ्री सिम्बलीज के साथ इस पैराग्राफ को कम्प्लीट करना है सो री राइट करना है और उसमें थ्री नाउंस को ऐड करना है सो नाउ लेट्स डू सो आपको राइट करना है अ साइंस टीचर गेवस अस अ प्रोजेक्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू माई अंकल्स फार्म ही लवस गार्डनिंग एंड लिवस ऑन अवज फॉर्म ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन

some le uh, uh, different type of leaves some of them were very big like elephant's ear so this is simply elephant ke uh, elephant ke jo ears hain elephant ears bhi apka noun hai leaves bhi apka noun hai so humne kiske sath compare kar diya isko elephant के ears को big leaves के साथ okay so next हम क्या add करेंगे there were some small leaves एज स्मॉल एज एंड ओके जो एज स्मॉल एज एंड्स बैड भी राइड कर सकते हो आप ये भी राइड कर सकते हो सम लीवस आर एज स्मॉल एज एंड एंड की जितनी स्मॉल एंड्स बैड ओके एंड के बैड की जितनी स्मॉल थी वो सो टू सिमल आपकी राइड हो गई यहाँ पे नेक्स्ट हम राइड करेंगे वी सर डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स इन फुल ब्लूम

और ये आपको अपने दोबारा से रीराइट करना है ये पैराग्राफ सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वॉच इट केयरफुली एंड आफ्टर आफ्टर दैट कम्प्लीट दिस वर्कशीट एज फोर सो स्टूडेंट्स बाय बाय हैव अ नाइस डे